हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में गूगल क्रोम जो ब्राउज़र होता है उसको अपडेट कैसे करें, क्योंकि जब गूगल क्रोम ब्राउज़र ओल्ड वर्जन का हो जाता है तो उसमें बहुत सारे नए फीचर्स जो आते हैं वो काम नहीं करता है और गूगल क्रोम ब्राउज़र स्लो वर्क करने लगता है। तो यही सारे नए फीचर्स को जोड़ने के लिए आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। इसी चीज़ के बारे में देखेंगे कि कैसे अपडेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि गूगल क्रोम को अपडेट कैसे करें। तो बहुत ही आसान है, इस चीज़ को देखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे इसको अपडेट करते हैं। फाइनली आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा है, यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे थ्री डॉट का सिंबल मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। हेल्प पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ पे एरो मार्क्स दिखा रहा है, अबाउट गूगल क्रोम दिखा रहा है। अबाउट गूगल क्रोम पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए चेकिंग फॉर अपडेट किया, उसके बाद बोल दिया गूगल क्रोम इज अप टू डेट। जैसे ही अगर आपका में अपडेट नहीं होगा, ओल्ड वर्जन होगा, तो यहाँ पे कुछ परसेंट चलेंगे, एक दो तीन करके अपडेट होंगे, पहले डाउनलोड होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे रिलॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। रिलॉन्च पे जैसे क्लिक करेंगे आपका क्रोम ब्राउज़र एक बार बंद होगा, फिर ओपन होगा, आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेट हो जाए, उसके बाद आप जो भी नए फीचर्स होंगे सबको यूज़ कर पाएंगे। यही था क्रोम ब्राउज़र को अपडेट करने का तरीका, बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नए अपडेट पहुँचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।